अभी मैं जो शेयर लेके आया था वो अदानी ग्रीन था, इस पर थोड़ा अपडेट लेके आया था। अदानी ग्रीन में एक थोड़ा स्पाइक देखने को मिला, थोड़ा बढ़त देखने को मिल रहा है, इसलिए सोचा मैं आपके सामने लेके आऊँ। ये अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन का जो लो है 22.80 रुपये, जो हाई है वो 77 रुपये है। और आप देखेंगे तो 100% बाई सेंटीमेंट है इसमें, लेकिन इसके कुछ फाइनेंशियल अपडेट को भी देखना जरूरी है और ये क्या बिजनेस करती है उसको भी देखना जरूरी है। तो अगर हम अदानी ग्रीन के बारे में देखें, अदानी ग्रीन के पास क्या है, तो इसका करंट प्राइस है 44 रुपये, हाई 77 का, लो 22 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव है, क्योंकि अभी ये नया जस्ट अभी एक साल पहले का 2017 का ही लॉन्च हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड 3.51 है, इसके पास डेप्ट ज़्यादा है, 9000 करोड़, 8269 करोड़ का डेप्ट है। बट चूंकि ये नई कंपनी है, कोई बात नहीं, आगे जाकर के इसका हो सकता है परफॉर्मेंस अच्छा है। 56% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और ये प्राइस टू बुक वैल्यू बिलो 10 में बोलता हूँ अच्छा होता है, तो 6.5 का मिल रहा है, कोई इशू नहीं है अभी। और इसके पास कैश ऑन लास्ट ईयर मार्च को जो था 421 करोड़ का था। अब इसमें कुछ चीज़ अच्छी है, कुछ चीज़ निगेटिव भी है, जैसे कैश फ्लो है, डेप्ट है, ज़्यादा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मैं इंटरेस्ट पेमेंट की जो कवरेज रेशियो है जितनी हाई होती है वो अच्छा होता है, इसका लो है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट को शायद ये कैपिटलाइज कर रही हो। प्रमोटर है प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी रखा हुआ है 31.91%। अब देखेंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है 86.58% है, 86% है समझिए, और उसमें से 32% मान के चलिए ये इसने प्लीज किया हुआ, गिरवी रखा हुआ है, ये निगेटिव चीज़ है, चूंकि इनको पैसे की ज़रूरत है। आप देखा डेप्ट भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक ये निगेटिव पॉइंट से आप मान सकते हो। और एफ आई ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को कम की है 0.02% से, ये इसका एक निगेटिव मान सकते हैं। तो और इसको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यह बाई किया है, इसको जो कम हुआ ये इसको वहाँ पे बाई किया गया। तो एक 32% से जो इसका प्लीज किया 31.9% से, ये एक निगेटिव है। और इंटरेस्ट कॉस्ट हाई है इसका, तो एक और दूसरा एक कंसर्न है। और अगर मैं इसके प्राइस के रिटर्न की बात बताऊं, आपको रिटर्न की बात बताऊं, तो आप देखेंगे ये 1 मंथ में 3% का रिटर्न दिया हुआ है, और 3 मंथ्स में 5% का निगेटिव रिटर्न है। प्राइस की बात करो तो आप 1 मंथ में देखेंगे तो 3.36% का रिटर्न है। YTD देखेंगे तो चूंकि ये नई कंपनी लिस्टेड है, इसलिए इसके बारे में अभी कुछ बताना बहुत अर्ली होगा। आइए ये बिजनेस क्या करती है एक बार इसके खुद इसके बिजनेस को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए रिन्यूअल एनर्जी से रिलेटेड ये बिजनेस है इनका, ये सब बिजनेस है, क्या क्या करती है मेन तो इनका अचीवमेंट देखिए कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि सोलर पावर से कैसे बिजनेस करती है। तो इसका वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्रोजेक्ट कमोती तमिलनाडु में 648 मेगावाट का सिंगल प्रोजेक्ट की हुई है। 1958 मेगावाट करंट पावर जनरेशन कैपेसिटी 2018 में, और 2022 तक ये 10,000 मेगावाट का अपना पावर जनरेशन का प्लान किया हुआ है। पंजाब लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर पावर 1000 मेगावाट है इनका। और आइए एक इनके छोटे से एक वीडियो को जो इन्होंने थोड़ा प्रेजेंटेशन अपना दिया हुआ है तो उसको देख लेते हैं। At a time when a gradual shift is needed towards sustainable and greener energy production, we at Adani are ready to take up the mantle. India has committed itself to be a major contributor in the fight against global climate change by promising to produce 40% of its total energy requirement by 2030 using renewable energy sources. And we at Adani have committed ourselves to make this a reality. We have been a leader in the energy sector in India, powering millions of lives over the years. There are no challenges too big for us and no goal too far. With an aspiration to become a global leader in the renewable energy space, we have now joined the world's march towards cleaner energy, with a promise to unleash the fierce potential that the heat of the sun and the strength of the wind have to offer. We have set up wind farms as well as solar power plants in 6 major states of India. We have successfully executed the world's largest single location solar power plant in Kamuthi, Tamil Nadu. Developed over a vast area of 2,500 acres, this plant was completed in a record time of 8 months and is lighting up the lives of millions of families. Apart from the solar power plants that we have already built, we are one of the few energy players that are looking at the entire value chain in the renewable sector.
In that path, we have envisioned the creation of a 3 gigawatt integrated solar ecosystem that will cater to all verticals from manufacturing PV cells and panels to generating and distributing solar power. The project is already underway with a mission to provide clean, green and affordable energy to even the remotest regions of the world. Our PV cells and panels manufacturing facility in Mundra will be one of the world's largest greenfield projects with a capacity of 1.2 gigawatt. It is a latest state-of-the-art plant using the most advanced technologies. This facility will supply PV cells and panels across the globe. Ever since we have taken our first step into the energy sector, we have been uplifting the communities everywhere we go. We are touching lives in the remotest of regions while powering the biggest and the fastest growing economies, and will strive to continue doing so in the future. तो ये इनका बिजनेस है और ये इस पे काम कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पे एक बार आपको इसके चार्ट पे देखो तो रिसेंटली ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये अपवर्ड ट्रेंड में एक जा रहा है। आप देखेंगे तो डिलीवरी 54% है, 11 लाख शेयर का डील हो रहा है और आज भी दोस्तों वॉल्यूम के साथ देखिए तो यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ 44% वॉल्यूम के साथ कंटिन्यू बना हुआ है। तो रिसेंटली ये 28% था, उसके बाद अभी बढ़ के 61%, 44%, 33% का वॉल्यूम हो रहा है। और अब देखिए यहाँ पे देखिए तो एवरेज 44% का वॉल्यूम है। बुक वैल्यू देखें तो प्राइस वैल्यू सिर्फ 4 रुपये का है। ये सब मैं आपको पहले भी बताया हूँ और अदानी ग्रीन का मैं पहले भी दिया था जब ये 70 रुपये पे गया था। तो अदानी ग्रीन को आप बाय करें, अच्छा ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है और आपको लोअर लेवल पर अगर मिलता है तो आप डेप टेक जो है इसका और इंटरेस्ट का इंटरेस्ट एक ये इशू है क्योंकि न्यू कंपनी है, बट चूंकि ये आदित्य बिड़ला जी की कंपनी भी बड़ी कंपनी है तो इनको को आगे चल के इनको बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। और ये आपको रिसेंटली हो सकता है 6 महीने के अंदर वापस 73 रुपये का रेट आपको दिखा सकता है। अभी जो चार्ट पे पोजीशन बना है वो जो चार्ट पे पोजीशन बन रहा है वो आपको बाइंग सिग्नल दे रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे फुल इनगल्फ पोजीशन बनाया है, बुलिश इनगल्फिंग बनाया है और ये पूरे लॉस को ये कवर करते हुए एक साथ पूरा इसके लॉस को कवर करते हुए यहाँ पे आप देखिए प्लस पैटर्न चालू किया है, बाइंग पैटर्न चालू किया है। तो हो सकता है ये आपको अभी यहाँ से गेंद दे, लोअर आपको जो जा सकता है वो इसका जो लो है आप यहाँ पे देखेंगे 28 रुपये 93 पैसे। तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई कंपनी खराब नहीं है। यहाँ से देखें तो एक अप ट्रेंड बन रहा था ये यहाँ पे थोड़ा आकर के नीचे लिया था, वापस अप ट्रेंड पोजीशन है। तो एक अच्छी कंपनी है, आप इसको 77 रुपये के शॉर्ट टर्म के टारगेट अगर चाहिए तो 77 रुपये आपको हो सकता है कि देखने को मिलेगा। एक बार ये 49 रुपये क्रॉस करता, 50 क्रॉस करता तो वापस आपको यहाँ पे 62 देखने को मिल सकता है। तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ये आपको वापस जो हाई था इसका 77 रुपये के आसपास यहाँ पे वो आपको देखने को मिल सकता है। तो फिर भी कोई पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।